हाय, चलो आज थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से आलू शिमला मिर्च की सब्जी बनाते हैं। मेरे पास ये दो मीडियम आलू हैं जो मैंने ऐसे काट लिए हैं, दो मीडियम शिमला मिर्च हैं जो कि मैंने आलू के जितने ही साइज की काट ली हैं, दो छोटे टमाटर रफली चॉप किए हुए, एक बड़ा प्याज बारीक कटा हुआ, दो टीस्पून मेरे पास दो टेबलस्पून धनिया है, दो हरी मिर्च बारीक कटी हुई, एक टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, यहाँ पे नमक, सूखा धनिया, जीरा, हल्दी और लाल मिर्च है। तो बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे दो टेबलस्पून जितना तेल लिया है और गैस को मैं ऑन कर रही हूँ, हल्का सा इसको हीट होने देंगे, उसके बाद फिर हम इसमें सबसे पहले डालेंगे जीरा। ये ऑयल गरम होना शुरू हो गया है तो मैं इसमें अब डाल रही हूँ एक चम्मच जितना जीरा। ये मसाले वाले चम्मच हैं और इसलिए इसमें पूरा एक चम्मच नहीं आता, तो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डाला है। और इसको अब जीरे को हम कड़कने देंगे। सेक मैंने तेज ही रखा है। देखिए जीरा कड़कना शुरू हो गया है और लाइट ब्राउन सा भी होने लग गया है, तो अब मैं इसमें डाल दूंगी प्याज। अब हम प्याज को ट्रांसलूसेंट होने तक भूनेंगे। एक बार ये ट्रांसलूसेंट हो जाएंगे तो फिर हम इसमें आलू डालेंगे। देखिए मेरा प्याज ट्रांसलूसेंट हो गए हैं तो मैं इसमें अब आलू डाल रही हूँ, और आलू डालकर इसको मिक्स करके ढक के और मीडियम सेक पर तब तक हम पकाएंगे जब तक कि प्याज लाइट ब्राउन नहीं हो जाते और आलू भी हल्के हल्के से क्रिस्पी नहीं हो जाते। बहुत टेस्टी लगता है इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो, क्योंकि आलू में हल्का सा क्रंच रहता है, तो बिल्कुल जैसे गले गले से आलू बनते हैं नॉर्मली आलू शिमला मिर्च में, वैसा टेस्ट नहीं आता। तो ये मैंने इसको मिक्स कर दिया है और अब मैं इसको ढक दूंगी। सेक को मैंने मीडियम कर दिया है और इसको पकने दूंगी, बीच बीच में आकर चलाऊंगी। 3 से 4 मिनट लग जाएंगे इसको होने में क्योंकि हमने कम सेक पर रखा है, तो 3 से 4 मिनट में हम आकर इसको देखते हैं। 3 मिनट हो गए हैं, चलिए देखते हैं हम प्याज कैसे हैं। देखिए अच्छे से लाइट ब्राउन हो गए हैं ये प्याज और आलू भी क्रिस्पी से होने लगे हैं, तो क्रंच आने लगा है इनमें। तो अब मैं इसमें बाकी के मसाले डाल दूंगी। ये मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है, आधा चम्मच जितना हल्दी, एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, और 2 चम्मच सूखा धनिया। मिक्स कर देंगे इसको अच्छे से। देखिए अच्छे से मिक्स हो गए हैं, मसाला अच्छे से कोट हो गया है। तो अब मैं इसमें टमाटर डाल दूंगी और हरी मिर्च डाल देंगे ताकि ये मसाला जले नहीं। साथ ही साथ इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक,
मैं यहाँ पर एक चम्मच नमक डाल रही हूँ क्योंकि अभी शिमला मिर्च भी आई थी। मिक्स कर देंगे इसको हम और फिर ढककर पकाएंगे जब तक कि टमाटर हमारे जो हैं वो सॉफ्ट नहीं हो जाते और थोड़ा सा तेल नहीं छूटने लगता है। एक चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गई थी वो है एक छोटा चम्मच हींग जो कि मैं इसमें डालूंगी। अब देखिए ये 1/2 चम्मच हींग है जो मैं इसमें डाल रही हूँ और इसको मिक्स करके और अब हम ढककर पकाएंगे। ढक दूंगी इसको मैं और 3-4 मिनट में चलाकर देखेंगे हम इसको, बीच बीच में चलाते रहेंगे। 3 मिनट हो गए हैं। देखिए भी मैंने आधा पौना मिनट पहले भी आके टच चलाकर गई थी तो मुझे टमाटर अपने अच्छे से हो गए दिख रहे थे तो इसीलिए वापस आए हैं हम। ये देखिए ये टमाटर कितने अच्छे से गल गए हैं और अच्छे से कोट हो गए हैं आलू के ऊपर। तो अब हम इसमें शिमला मिर्च डाल देंगे और आधा हरा धनिया डाल देंगे, बाकी आधा हम गार्निश के लिए रख देंगे। इसके अलावा हम इसमें आधा चम्मच गरम मसाला और आधा चम्मच अमचूर भी डालेंगे। ये देखिए ये मेरे पास आधा चम्मच अमचूर है जो मैं डाल रही हूँ और आधा चम्मच ही गरम मसाला भी डाल रही हूँ। आपके पास अगर टमाटर जो है वो काफ़ी खट्टे हैं तो फिर आपको अमचूर डालने की ज़रूरत नहीं है। ये थोड़ा मिक्स वाली वैरायटी थी, इसमें कुछ खास खटास होता नहीं है इसीलिए मैंने अमचूर भी डाल दिया। इसको अच्छे से मिक्स करके दोबारा ढककर पकाएंगे। थोड़ा सा क्रंची रहना चाहिए शिमला मिर्च इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, 2-3 मिनट पकाकर फिर देखेंगे इसको हम। ये मिक्स कर दिया हमने अच्छे से और अब हम इसको 4-5 मिनट तक पकाएंगे ताकि शिमला मिर्च गल जाए, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं गलानी, क्रंची रखनी है इसलिए बहुत ज्यादा देर भी नहीं पकाएंगे हम इसको। 4-5 मिनट हो गए हैं और ये देखिए शिमला मिर्च भी मेरी थोड़ी सी क्रंची और थोड़ी सी गली हुई लग रही है तो अब हम इसको बंद कर देंगे और फिर इसको हम इसको प्लेट आउट करके और सूखा धनिया डाल देंगे, हरा धनिया डाल देंगे और उसके बाद पराठी इसके साथ इसको हम सर्व करेंगे। तो अभी मैं गैस बंद कर रही हूँ और इसको अभी ढककर ही रख रही हूँ 2-3 मिनट ताकि जो थोड़ा बहुत कसर रह गई होगी वो ढकने में पूरी हो जाएगी। देखिए मैंने शिमला मिर्च को डिश आउट कर दिया है और ऊपर से धनिया से गार्निश कर दिया है। अब हम इसको गरम गरम पराठों के साथ परोसेंगे तो आप भी बनाइए इसको, खाइए और लाइक कीजिए हमारा वीडियो, सब्सक्राइब कीजिए चैनल और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप ऑन कमिंग बैक। थैंक यू सो मच, बाय बाय।